फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सकरपुर थाने का एक घोषित वांछित अपराधी को शास्त्री पार्क मेट्रो थाने की टीम ने रमेश पारक से गिरफ्तार किया। दिल्ली मेट्रो के डीसीपी जितेंद्र मानी ने शुक्रवार की शाम 4:50 पर मीडिया को प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि शास्त्री पार्क मेट्रो थाने को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी जो कि सकरपुर थाने का एक घोषित वांछित अपराधी है जिसे करकटडुमा कोर्ट द्वारा 17 मार्च 2023 को घोषित कर दिया है वह लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क में देखा गया है। यदि समय रहते छापा मारा जाए तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया था जो कि शास्त्री पार्क मेट्रो थाने के SHO निर्मल कुमार झा के नेतृत्व में टीम बनी थी। इस टीम के अंदर हेड कांस्टेबल मुकेश और हेड कांस्टेबल अमित इस टीम में शामिल थे। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क में पहुंची, जहां एक पार्क के अंदर एक संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति बैठा था जिसे मुखबिर ने बताया कि ये वही आरोपी है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान वसीम पुत्र अब्दुल कय्यूम के रूप में हुई है, जो रहने वाला गली नंबर 10 रमेश पार्क लक्ष्मीनगर का है। इसकी उम्र 33 वर्ष है। आरोपी को धारा 41.1C के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी को स्निचिंग के मामले में गिरफ्तार किया था सकरपुर थाने ने, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 187/17, धारा 356, 379, 411/34 IPC के तहत 2017 में आरोपी को गिरफ्तार किया था एक स्निचिंग के मामले में। जमानत के बाद से वह रिहा हुआ था, मगर अदालती कार्रवाई से बच रहा था, जिसे 17/3/2023 को करकटडुमा कोर्ट द्वारा आरोपी को घोषित कर दिया था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर शास्त्री पार्क मेट्रो थाने की टीम ने लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी से की जा रही है पूछताछ।